लास्ट पार्ट में देखा था विंग बच चुका था और 15 दिन बीत चुके थे जहाँ पे उन दोनों के बीच में हॉट सेक्शन चल रहा था जो भी मॉर्निंग में ही हो रहा था। अब उसके बाद के देखते हैं हम, जहाँ पे उन दोनों के हॉट सेक्शन के बाद वो दोनों बेड पे लेटे हुए थे जहाँ पे विंग जो लांसन के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कह रहा है कि लांसन तुम्हारा स्टेमिना ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो लांसन जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ वो तो है, तुम चाहो तो मैं और 3 राउंड परफॉर्म कर सकता हूँ। विंग कहते नो 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 नहीं नहीं ये तो बहुत हो चुका है। तो लांसन जैसे एक स्माइल करता है क्या तुम डर गए विंग? तो विंग कहते नहीं मैं डरा तो नहीं हूँ बट लांसन तुम्हें पता है ना मुझे जॉब के लिए भी जाना है। तो लांसन कहते हाँ विंग मैं जानता हूँ और आज तुम्हारा फर्स्ट डे होने वाला है इतने दिनों के बाद। तो विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहते क्या हुआ तुम मुझे मिस करोगे? तो लांसन कहते हाँ। तो विंग कहते तुम्हारा भी आज फर्स्ट डे होने वाला है, तुम भी अपने जॉब पर जाओ ठीक है, हमें अपने काम करने इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें लोगों को बचाना है और लोगों को सेफ रखना है और मुझे उन्हें बचाना है, तुम जानते हो ना हम दोनों का वर्क ही है ऐसा। तो लांसन कहते हैं कि हाँ हाँ विंग मैं जानता हूँ। इसके बाद लांसन और विंग उड़ जाते हैं और विंग दवाई खा लेता है जिससे उसे दर्द ना हो। जिसके बाद वो दोनों अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं जहाँ पर विंग डॉक्टर के लिए रेडी हो चुका था और हमारा वांग जी जो है ना अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहन रहा था। तो विंग आता है और उसके बटन को लगाते हुए कहता है कि तुम इस पुलिस यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो करके। तो लांसन के कान रेड हो जाता है और कहता है कि विंग ऐसा मत करो वरना तुम पछताओगे। तो विंग कहता है नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लांसन जैसे एक स्माइल करता है और कहता है तुम जानते हो विंग मेरे दिमाग में क्या चल सकता है। तो ऐसे कहता है तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ओके हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे चलो चले। तो लांसन कहता है विंग प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो लांसन कहता है विंग प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा प्यार से बनाया। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम्हारे प्यार से बनाए हुए ब्रेकफास्ट में तुम्हारा प्यार तो होगा, एक काम करो तो मुझे पैक करके दे दो मैं ऑफिस में जाके खा लूँगा। तो लांसन कहता है ठीक है और लांसन विंग के लिए टिकट पैक कर देता है। जिसके बाद जो है ना लांसन और विंग कार में आके बैठते जहाँ पे लांसन विंग को ड्रॉप करता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के एक बार कार में किस करते हैं छोटा सा। एंड विंग कार से बाहर निकलता है, लांसन कहते बाय विंग, विंग भी बाय करता है। एंड लांसन कहते मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। तो विंग कहता है ओके मैं वेट करूँगा। एंड विंग अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद विंग का वेलकम किया जाता है क्योंकि सभी लोगों को पता था कि विंग के साथ कौन सा हादसा हुआ है करके। तो विंग का जो ना अच्छे से वेलकम करते क्योंकि इतने दिनों के बाद विंग अपने जॉब पे वापस आया था इसके कारण। उसके बाद विंग अपने डेली शेड्यूल में वापस आ जाता है और लानवांग जी तरफ भी सेम ऐसा ही था, लानवांग जी अपने डेली शेड्यूल में वापस आ चुका था और वो लोग फैमिली से मिलते थे। विंग अपने अपने शीजे से मिलने के लिए जाता था जिंजुशान से और विंजिंग के पास भी जाता था जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद था तो तुमने मुझसे क्यों कांटेक्ट नहीं किया, तुमने मुझसे क्यों बात नहीं की। जहाँ पे विंजिंग कहते मुझे लगा कि तुम्हें याद नहीं होगा इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। जहाँ पे विंजिंग की ये बात सुनी के बाद विंग भी कहता है कि हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था ना ऐसे जो है ना हमारा, विंग कहता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही अपने पूरे 3 महीने बिताते थे जिसके बाद हमें पूरे 3 महीने के बाद दिखाते हैं जहाँ पे विंग और लांसन दोनों जो है ना एक बीच पे बैठे हुए थे जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि लांसन हाँ यानी हमारा विंग कहता है कि लांसन ये सब करना क्या ज़रूरी है। तो लांसन कहता है ऑफकोर्स विंग ये सब करना ज़रूरी है। तो फिर कहते हैं लांसन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है और लांसन कहते नहीं विंग कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा। और लांसन सामने की ओर देखते देखो मैं हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है लांसन बट ये सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुमने तो ये पूरा शिप ही बुक कर लिया है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लांसन कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ ऐसे कहता है। एंड विंग उस शिप की ओर देखता है जो उसके सामने था एंड वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर खड़े थे। जहाँ पे विंग उन सभी लोगों की ओर देखते कहता है लांसन तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया कि सभी लोगों को बुला लिया। तो लांसन कहता है हाँ क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले विंग तो ऑफकोर्स मैं सभी लोगों को बुलाऊंगा। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी शादी करेंगे करके और तुमने तो मुझे पूरा सरप्राइज़ दे दिया है। तो लांसन कहता है ये तुम्हारे लिए ही था सरप्राइज़ विंग अब चले अंदर ऐसे कहता है। इसके बाद लानवांग जी और विंग अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही वो दोनों एंटर होते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियाँ उन दोनों पर गिरना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो दोनों सीधा जो शिप के अंदर एंटर हो रहे थे ना तो वहाँ पे एंट्री गेट से ही उन दोनों के ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे एंड वांग जी और विंग चलते जा रहे थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा तैयार होकर चल रहे थे एंड वो ऐसे ही चलते हुए जो ना शिप के जो बीच वाला जो हॉल था ना वहाँ पर पहुँच चुके थे और सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे। वहाँ पर इंसान खड़ा था जो प्रीस्ट था वहाँ पर आके खड़ा था एंड उसके बाद जो रिचुअल्स थी शादी की वो रिचुअल्स को निभाया जाता है। उन दोनों से पूछा जाता है कि मिस्टर विभूषण आप लानवांग जी को अपना हस्बैंड मानते हो? तो विंग यस कहता है। लानवांग जी से भी सेम यही सवाल पूछा जाता है और लानवांग जी भी सेम यही कहता है। एंड जो प्रिस्ट था वो कहता है कि
अभी एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील किया जाए। ऐसे करते हुए तो लानवाल जी और भी एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते हैं एंड उसके बाद उन दोनों की शादी फिनिश हो जाती है। और ये जो शिप थी ना वो चलती जा रही थी बहुत, मतलब वो समुद्र के बीच में थी। और विंग और वांग जी के ये सब होने के बाद सभी लोग ब्लेसिंग देने स्टार्ट कर देते एंड सभी लोग विंग से आके बात करते हैं और विंग से अच्छे से बातें करते हैं। जहाँ पे अभी सभी लोग आ चुके थे, शाओशियान, शुयांग, सोंगलैंड, वेंचिंग, मैम्या, शिचैन आ चुके थे, मैडम यू, फेमियान एंड मैडम लैन, कुरैन, यहाँ तक कि सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे। जहाँ पे लानवांग जी ने सभी लोगों को ढूंढ के सभी लोगों से ये कांटेक्ट किया था। और धीरे धीरे उन सभी लोगों को कुछ कुछ बातें याद तो थी बट वो परफेक्ट तरीके से याद नहीं थी। बट जब उन लोगों ने विंग को देखा ना तो उन्हें सब कुछ याद आ चुका था। जब लानवांग जी ने सभी लोगों को इन्विटेशन भेजा था ना, जहाँ पे लानवांग जी और विंग की फ़ोटो भी भेजी थी उस इन्विटेशन कार्ड में, जो फ़ोटो भी लगी हुई थी, जिसके कारण उन सभी लोगों को याद आ चुका था, जिसके कारण सभी लोग यहाँ पे आए थे। लैन कुरैन तो थोड़ा सा गुस्सा था कि विंग ने इस बार भी उसके नेफ्यू की लाइफ ख़राब कर दी, बट उसका नेफ्यू उसके पास नहीं था तो वो इस लाइफ में उसे नेफ्यू नहीं कह सकता था। बट फिर भी हमारा वांग जी उन्हें अपने अंकल ही मानता था। और सभी लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि विंग और लानवांग जी भी। जहाँ पे विंग लानवांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या हम साथ हैं? तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है कि हाँ विंग, हम स्टिल टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। तो विंग कहता है, सच में ना लानसान, क्या तुमसे कभी दूर तो नहीं होगी ना? तो लानसान कहता, नहीं विंग, मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को नहीं समझते हो विंग? तो विंग कहता, मैं समझता हूँ, बट क्या पता फ्यूचर में हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो जिसके कारण तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो लानसान कहता, विंग ऐसा मत सोचो, और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, ना मैं तुम्हें दूर होने दूंगा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, पूरे हर जन्म में तुमसे ही प्यार करूंगा, ऐसे लानवांग जी कहता है। और विंग उसे किस करते कहता है, सच में ना लानसान, कि तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ोगे तो नहीं ना? तो लानसान कहता है, ऑफकोर्स विंग, मैं नहीं तोड़ूंगा, ऐसे कहता है। एंड जो लानसान जो था ना, वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी शिजान कहता है, क्या तुम दोनों यही पे अपने हनीमून को मनाना चाहते हो? इतना बड़ा शिफ्ट किस लिए लिया है? तो विंग कहता, आप क्या कह रहे हो शिशान का? तो शिशान एक स्माइल करते हुए कहता, ओ तुम्हें पता नहीं, लानसान ने ये शिफ्ट तुम दोनों के लिए लिया है स्पेशल तरीके से, और तुम दोनों का जो फर्स्ट फ्लोर पे तुम दोनों का हनीमून रिजॉर्ट है, जहाँ पे तुम दोनों जाके इंजॉय कर सकते हो, और बाकी सब हम सभी लोग दुनिया की सैर करने के लिए निकले, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता, क्या? तो लानवांग जी कहता है कि हाँ, मैं सभी लोगों के साथ घूमना चाहता था, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैं सभी लोगों के साथ ठीक से बात नहीं कर पाया, उनसे जुड़ नहीं पाया, बट इस लाइफ में मैं सभी से जुड़ना चाहता था, सभी से बात करना चाहता था, मैं पहले जैसा हंगुनजुन नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने सभी से कहा कि हम सब लोग दुनिया की सैर करने के लिए जाएंगे, इसलिए सभी लोग इस शिफ्ट पे है और हमारा टूर ऐसे ही चलता रहेगा। विंग कहता, सच में हम सभी लोग साथ में रहेंगे? तो लानवांग जी कहता कि हाँ। तभी यान लिया थी और कहते विंग, तो विंग कहता, क्या क्या हुआ ऐसी? तो यान लिखे थे, विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहते हैं कि हाँ शिजे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यान लिखे थे, विंग हम साथ में हैं। तो विंग कहते हैं, हाँ शिजे, मैं जानता हूँ। तभी धीरे धीरे सभी लोग आते हैं और कहते हैं कि विंग, पास्ट में जो कुछ भी हो उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, अब तुम नई ज़िंदगी बिताओ अपने लानवांग जी के साथ। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद जो है ना, लानवांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं एंड सभी लोगों को देख के एक स्माइल करते हैं, जहाँ पे सभी लोग विंग एंड लानवांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं उन दोनों के शादी के लिए, न्यू लाइफ के लिए। एंड इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट फैन फिक्शन जो होने वाला है ना, जो हिस्टोरिकल होने वाला है, एंड वो फैन फिक्शन शांगवान होने वाला है। अगर आपको शांगवान फैन फिक्शन पसंद है तो नेक्स्ट स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, एंड मैं वांगशन भी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं दो फैन फिक्शन शेयर करूँगी आने वाले कुछ दिनों में। ओके, एंड थैंक यू सो मच इस